तो मुगल कहां से शुरू होते हैं? पहला बाबर नाम का व्यक्ति जो है बाबर से मुगल शुरू होते हैं। बाबर मुगल वंश का क्या होना है? मुगल वंश का संस्थापक है, याद रखना है आप लोगों को। और ये किस समय में किसने स्थापना की? 1526 में। 1526 में कोई युद्ध जीता था क्या? कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में था बेटा? ये बाबर और वर्सेस इब्राहिम। ओके, ये आपको याद रखना है। बाबर 1526 से 30 तक की रहा, 1530 तक। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं जो है ये दो बार भारत का शासक बना। कितने बार? दो बार। लड़खड़ाते हुए जीवन इसने जिया, 1530 से 40 तक की एक बार रहा, और एक 1555 से 1556 ईस्वी तक की रहा। ठीक है, क्योंकि हुमायूं के समय में शेरशाह सूरी से उसके दो युद्ध हुए थे। वैसे तो इसने तीन प्रमुख युद्ध लड़े। पहला कौन सा था? चौसा का युद्ध, याद रखना बेटा। 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540। ठीक, और इसने पुनः अपनी सत्ता किस युद्ध से ली? तो सर हिंद के युद्ध, सर हिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था, है ना, अफगान शासकों के बीच में। तो चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ में, ठीक है, ध्यान दो। बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह के साथ में। यहाँ हुमायूं का क्या क्या हुआ? सत्ता शेरशाह सूरी के हाथ में चली गई, जबकि सरहिंद से उसने फिर से अपनी सत्ता ले आया, लेकिन कुछ समय तक जीवित रहा। और दीनपनाह जो भवन की जो पुस्तकालय थी उसकी सीढ़ियों से गिरकर मर गया। ठीक है, तो ये सरहिंद का युद्ध। अब इसके बाद कौन आया भैया? अकबर आया। अकबर भैया तो आप जानते ही हैं, तो ये 1556 से बैठकर 1605 तक के बैठे। कब तक? और अकबर महान सम्राट था, है ना, मुगल बादशाह था। तो अकबर जो है, अकबर महान है भैया, ठीक है। तो अकबर ने युद्ध किया था 1556 में। कौन सा युद्ध था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। बेटा इस समय बहुत छोटा था, लगभग 14 साल का, क्योंकि 1542 में तो जन्म हुआ था किसका? अकबर का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अकबर से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अकबर का उत्तराधिकारी हुआ जहांगीर हुआ। और ये बहुत ही बढ़िया चित्रकार, इसकी विशेषता थी कि चित्रकारिता को इसने बहुत प्रधानता दी थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। अकबर के 9 रत्न थे, ठीक है, अकबर के बहुत 2 9 रत्न थे, उनमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि एक बिरबल था, तानसेन भी यहीं पर था, डोडरमल भी था, है ना, मानसी था, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, बहुत सारे थे, अबुल फजल जिसने अकबर नामा नाम की किताब लिखी है। ठीक है, ओके, आगे जहांगीर कौन है भैया? तो ये जहांगीर भी 1605 से लेकर 1627 तक के रहा। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां हुआ, और शाहजहां ने, मैंने बताया, तख्ते ताउस का निर्माण करवाया शाहजहां ने, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया शाहजहां ने, फिर ताजमहल का निर्माण करवाया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शाहजहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक के काल में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था? उत्तराधिकारी का युद्ध का मतलब क्या हो रहा है बेटा? कि कोई शासक है, उसके जो पुत्र हैं आपस में क्या हो रहा है? सीट के लिए, सिंहासन के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो औरंगजेब इनका पुत्र था, दारा सिंह को शाहजहां का पुत्र था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कौन आया? तो औरंगजेब आया। औरंगजेब जो है बहुत ही क्रूर बादशाह था, ठीक है, और इसकी मृत्यु जो है 1707 के लगभग में इसकी, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है शिवाजी के साथ में। ये समकालीन था, शिवाजी के समय ये लड़ा, ये दक्षिण में गया, दक्षिण में ही इसकी मृत्यु हुई, है ना, औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद मुगल शासन जो है वो धीरे धीरे
धीरे धीरे कमजोर होते गया क्योंकि इसका उत्तराधिकारी कमजोर आते गए, जो है बहादुर जफर आए, फिर उसके बाद में बहुत सारे शासक आए, रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, बहुत सारे। तो आपको ये ध्यान रखना, मैं इसके बारे में बाद बताऊंगा। तो आपका इम्पोर्टेंट जो शासक थे वो औरंगजेब तक के थे। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले अंतिम मुगल शासक कौन है, तो अंतिम मुगल शासक है बहादुर शाह जफर, है ना। 1857 की क्रांति में उनको कैद कर लिया गया और उन्हें कहां भेजा गया, रंगून, ठीक है। रंगून कहां पर है, म्यांमार। ओके, तो ये ध्यान।